स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का फिर से स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं जियो मार्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, और उसी भू आकृति विज्ञान के क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है हिमनदी क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ। क्या है? हिमनदी क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ। इसके पहले हमने इसी जो है जियो मार्फोलॉजी के अंतर्गत नदी के द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ, पवन के द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विधिवत वर्णन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो को देख लें, जो है चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो आइए आज इसको स्टार्ट करते हैं, हिमनदी क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ। सबसे पहले आप नदी का तो समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? हिमनदी है। हिम का मतलब क्या हो गया? बर्फ। यानी क्या होता है? बर्फ की नदियाँ भी होती हैं, और उन बर्फ की नदियों के द्वारा जो भू आकृतियों का निर्माण होता है उसको हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जिस तरह से नदी स्वच्छ जल जो है कभी अपरदन नहीं कर सकता, स्वच्छ जल अपरदन कैसे करता है? जब उसमें जो है कंकड़ पत्थर बालू रेत मिट्टी और बालू के कण जब मिल जाते हैं तो उनके साथ चलते हैं तो वो क्या करते हैं? अपरदन करते हैं। उसी तरह से स्वच्छ बर्फ भी क्या कर सकता? अपरदन क्रिया नहीं कर सकता। उसमें भी क्या होते हैं? बोल्डर गुलास जिसको कहते हैं, गुलास मृतिका जिसको क्ले कहते हैं, बोल्डर क्ले कहते हैं, और उसी में अपोड जो होता है ये सब मिले रहते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे जो है कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं, बालू के मिक्स जो होते हैं, ये चट्टानी छोटे छोटे कण होते हैं जो इसमें क्या मिले रहते हैं, इस बर्फ में मिले रहते हैं, और यही क्या करते हैं? अपरदन करते हैं। तो जिस तरह से नदी का तीन काम है, क्या क्या? अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। उसी तरह से हिमनद भी क्या करता है? तीन काम करता है, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। आइए इसको हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हिमनद का जो अपरदन कार्य है उसको हम समझते हैं, हिमनद का अपरदन कार्य, ठीक है। अब हिमनद जब जो है, हिमनद कहाँ होगा? तो पर्वतीय क्षेत्रों में होगा, जहां हिम मतलब बर्फ पड़ेगी वहीं हिमनद का विकास होगा, वहीं हिमनदी भी बनेगी। तो अब आइए अपरदन की जो जो भी भू आकृतियां हैं क्रम से हम इन चित्रों के माध्यम से समझेंगे। तो अपरदन प्रक्रिया आपने समझ लिया। अब अपरदन प्रक्रिया के अंतर्गत जो स्थलाकृति बनती है उसमें क्या है? हिम वीदर। अब हिम वीदर को आइए इस मानचित्र से देखते हैं। देखिए आपके सामने इस तरह की आकृति दिख रही है ये। अब ये इमेजिन करिए कि ये जो है क्षेत्र क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, विषम पर्वतीय भित्ति है ये, यहाँ पर क्या है? बर्फ जमी हुई है। और बर्फ कब अपरदन करेगी? जब उसको ढाल मिलेगा, सतह जो हो उसका जब ढालूपन होगा तो बर्फ यहाँ से क्या करेगी? मूव करेगी आगे के लिए, ढलान पे क्या करेगी? वो सरकेगी। तो जैसे ये बर्फ क्या होती है? सरकती है और सरक करके धरातल के समीप आती है, तो इस तरह का जैसे उसमें झुकाव होता है तो उसमें ये चटकन टाइप दिखाई देता है, ठीक है। जो चटकन दिखाई देता है यानी बर्फ बीच बीच में क्या हो जाती है? फट जाती है और उसके जो है चटकन उसमें खाई के रूप में दिखाई देती है, उसी को क्या कहते हैं हम? हिम वीदर कहते हैं। वीदर का मतलब हो गया कि जो खाई का एक रूप ले ले। अब इस हिम वीदर की जो चौड़ाई होती है यह 1 से 2 मीटर हो सकती है और गहराई लगभग 50 से लेकर के 200 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। और ये जो है कभी कभी जब स्वच्छ बर्फ जो है इन बीदरों में भर जाता है तो जो पर्वतारोही हैं कभी कभी पर्वतों पर चढ़ाई करते समय इन हिम बीदरों में क्या होता है? उनका पैर फंस जाता है, नीचे लोग चले जाते हैं, या कहीं ना कहीं ये हिम बीदर क्या है? पर्वतारोहियों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो आशा आपने हिम वीदर समझ लिया, ठीक है। दूसरी जो आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं? वर्ग सुरुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग सुरुंड। आप यहां से देखिए, अब आपने समझा कि ये जो हिम है ये धरातल के समीप जब ढाल पे आती है तो इस तरह हिम वीदर बनता है, और जब यही पर्वतीय क्षेत्र से जब ढाल इसको मिलता है तो यहां पर्वत से इतना हिस्सा क्या होता है? निकल जाता है, अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो जो ये अलग होकर के इतना निकलता है इस पूरे को क्या कहते हैं हम? वर्ग सुरुंड या हिमबीदर कहते हैं, ठीक हो गया। अब तीसरी जो आकृति बनती है इसमें टार्न बनती है।
टर्न को समझने से पहले सर्प को समझते हैं हम। ये पर्वतीय क्षेत्र से जब बर्फ निकलता है इस तरह से, तो ये जो है ये यहां देखिए इस तरह की आकृति बनती है। तो बर्फ जो है इसको क्या करती है, यहां निक्षेपण कर, ये अपरदन काम करके इस तरह की जो आकृति बना दे उसको हम क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं सर्क में ये बर्फ जब क्या हो जाए, पिघल जाए, तो पिघल करके इसमें जल जो है एकत्रित हो जाता है और एक झील का रूप ले लेता है, उसी को टार्न या हिमज झील के नाम से जाना जाता है। टार्न क्लियर हो गया आपको। चौथी जो आती है भू आकृति जो है श्रृंग है। श्रृंग में होता क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ जो है पहाड़ों पे क्या होती है, बर्फ जमती है। जैसे ये पहाड़ है, इस पर क्या है, बर्फ जमी हुई है ये चारों तरफ। अब ये बर्फ क्या करती है, यहां से फिसल करके ढाल के अनुरूप इसमें अपरदन करती है। तो जब अपरदन करेगी तो एक समय ऐसे आएगा कि यह बर्फ का ऊपरी सिरा केवल ये दिखाई देगा, जो किस तरह का होगा, सिंह की तरह दिखाई देता है, जो है एकदम नुकीली चोटी की तरह दिखाई देता है। और बाकी का जो सिरा क्या होता है, अपरदन के द्वारा, बर्फ के अपरदन से क्या हो जाता है, कट जाता है और ये नुकीला दिखाई देता है। इसी को हम श्रृंग कहते हैं, जो एक सिंह की तरह दिखाई दे। उदाहरण के लिए भारत में जो हिमालय में जो त्रिशूल चोटी है उसको आप ले सकते हैं। त्रिशूल चोटी किस तरह से है, इस तरह से दिखाई देती है, ठीक हो गया। पांचवी जो स्थलाकृति बनती है उसको काल कहते हैं। काल होता क्या है, जब दो सर्क, जैसे ये पहाड़ी क्षेत्रों का ये जो है ये सर्क की आकृति जो बनती है, यही सर्क कटान करते करते आपस में मिल जाए तो एक जो है दर्रे का निर्माण कर देता है। इस तरह से इसी को क्या कहते हैं हम, काल कहते हैं, ठीक है। ये बर्फ जो है कटान करके, ये जो है ये सर्क जो है कटान कर करके क्या हो, आपस में मिल जाए इन दोनों का सिरा, तो एक पर्वतीय दर्रा का निर्माण जो यातायात के लिए भी लोग उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद से जो आकृति बनती है उसको हम यू आकार की घाटी कहते हैं। आपने भी आकार की घाटी जो है पिछले अध्याय में पढ़ा है, भी आकार की घाटी जो होती है नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसी भी आकार की घाटी में जब बर्फ फिसल करके ढाल के अनुरूप आ जाए और उसके जो है तली को और चौड़ा करके यू का आकार ले ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, यू आकार की घाटी कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद से जो आती है लटकती घाटी। लटकती घाटी में होता क्या है कि कोई ये जो है हिमनदी है और इसी में जो सहायक जो है क्या है, सहायक जो है हिमनदियां आकर के इसमें लटक जाती हैं, इसमें लटक जाती हैं, तो जो प्रदृश्य दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं, लटकती घाटी कहते हैं। आठवां जो अपरदन से संबंधित जो स्थलाकृतियां बनती हैं उसमें आता है भेड़ शिला। ये मानचित्र से आप समझिए, जैसे बर्फ क्या होती है, इधर से जो है ढाल के अनुरूप क्या करती है, अपघर्षण करते हुए आगे बढ़ती है, और जैसे ही उसके मार्ग में कोई कठोर चट्टान आ जाती है तो उसका वह अपरदन न करके उसके ऊपर चढ़ जाती है, और ऊपर चढ़ करके फिर इधर से उत्पाटन करते उबड़ खाबड़ करके जो है सरकती है। तो ये जो आकृति बनती है एक भेड़ की तरह से, बैठी हुई भेड़ की आकृति की तरह से दिखाई देती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, भेड़ पीठ या शिला कहते हैं, ठीक है। इस तरह की जो आकृति बन जाए तो अपरदन से ये जो है कुछ जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जो भू आकृतियों का निर्माण होता है वो अपरदन के अंतर्गत आता है, जिसमें हिमविदर, बर्गश्रुण, टार्न, श्रृंग, काल, यू आकार घाटी, लटकती घाटी, भेड़ शिला। सर्क का हमने यहां जिक्र किया था, तो यहां एक बार देख लीजिए, सर्क जो है फ्रांस में पिरिनीज पर जो है गेवर्नी का जो सर्क है, विश्व में सबसे बड़ा सर्क है, कहां का, फ्रांस में पिरिनीज पर जो गेवर्नी सर्क, सर्क का नाम क्या है, गेवर्नी सर्क, ये विश्व का सबसे बड़ा सर्क है। स्कॉटलैंड में सर्क को कोरी के नाम से जाना जाता है, जर्मनी में कारेन के नाम से जाना जाता है, वेल्स में स्विम के नाम से जाना जाता है, नॉर्वे में ओटन के नाम से जानता है, और इसको स्कैंडिनेविया में क्या, कोसेल के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सर्क को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है।
अब आइए देखते हैं जो है हिमनदी का निक्षेपणात्मक कार्य। तो हिमनदी के निक्षेपणात्मक कार्य में जो है मुख्य रूप से हिमोड और ड्रमलीन है, ठीक है। अब हिमोड क्या है, इस हिमोड को पहले समझिए। हिमोड का मतलब होता है कि जिस तरह से नदी अपने साथ तलछट, मलबा, कंकर, पत्थर, बालू ला करके जमा करती है, उसी तरह से बर्फ में भी छोटे छोटे कंकर, पत्थर, रेत कण जो होते हैं, और जब बर्फ पिघल जाता है तो ये छोटे छोटे कण जो है जहां पर निक्षेप उनका हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं, ठीक हो गया। अब हिमोड को इस मानचित्र से भी देखिए, जैसे ये बर्फ जो है आगे जब बढ़ता है तो जब ये पिघलने लगता है तो इसके साथ जो जो भी जो रेत, बालू के कण, कंकर, पत्थर, छोटे छोटे जो है इस सतह पे जो जमा हो जाते हैं तो उसको हम पार्श्विक हिमोड के नाम से जानते हैं। ये जो है जमा हो जाते हैं, ये पार्श्विक हिमोड के नाम से जाने जाते हैं। इसी में जब हिमोड जो है इस तरह की प्रक्रिया में, यहां से जैसे हिम जो है पिघलते पिघलते ऊपर बढ़ गया तो जो जो हिमोड यहाँ छूट जाते हैं इनको हम मध्यस्थ हिमोड के नाम से जानते हैं, और जो अंतिम होता है, अंतिम सिरे पे जो हिमोड जमे रहते हैं उनको हम अंतिम हिमोड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी जो निक्षेपणात्मक भू आकृति बनती है उसमें क्या है, ड्रमलीन। अच्छा एक चीज और बता दें आप लोगों को, हिमोड को टील के नाम से भी जानते हैं, ठीक हो गया। अब ड्रमलीन, ड्रमलीन को समझिए आप, होता क्या है कि जब हिम जो है निक्षेपणात्मक प्रक्रिया में इस तरह की आकृति बना दे, इस तरह की, ठीक है, तो यह एक देखने में उल्टी नाव की तरह से दिखाई देता है, नाव की उल्टी प्रकृति की तरह दिखाई देता है, और देखने में जो है यह सफेद अंडे की तरह से दिखाई देता है, इसीलिए कही गई इसको सफेद अंडे की टोकरी भी कहते हैं। तो इस तरह की जो आकृति बन जाए उसको हम ड्रमलीन कहते हैं, यहां आप देख सकते हैं। तो ये जो थे निक्षेपणात्मक भू आकृति में हिमोड और ड्रमलीन। अब हिम के जो है जलोढ़ निक्षेपणात्मक, मतलब वही हिम जो है जल के रूप में हो जाए और जब निक्षेपण करे तो उससे कौन सी आकृतियां बनती हैं, तो उसमें दो मुख्य आती हैं, केम और अवक्षेप मैदान। केम को समझिए क्या है, केम का मतलब जिस तरह से नदी अपने अंतिम अवस्था में डेल्टा का निर्माण करती है, सेम वही प्रोसेस जो है हिम नदी भी क्या करती है, अंतिम अवस्था में जब हिम जो है पिघल करके जल का रूप ले लेता है तो उसके साथ जो भी तलछट आए हुए रहते हैं, कंकड़, पत्थर जो है, बजरी, वो क्या करते हैं, एक डेल्टा के रूप में निर्माण करते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, केम कहते हैं, ठीक हो गया। और छेप निथेप का है, आप उसी तरह से नदी का जो अंतिम अवस्था में नदी क्या करती है, संप्राय मैदान का निर्माण करती है, उसी तरह से यहां पर हिम क्या करता है, हिम नदी क्या करती है, अवक्षेप कर देती है, यानी जो जो अपने साथ लाई हुई मलवा है जिसमें कंकड़, पत्थरी, बालू, रेत जो भी है, या कहीं कहीं गुलास बोल्डर भी होते हैं, उनको जो है एक मैदान के रूप में अवक्षेप करती है, और जो वह डेल्टा के तरह से ही दिखते हैं लेकिन क्या होते हैं, समतल होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, अवक्षेप मैदान कहते हैं, ठीक हो गया। तो आशा है आज का जो है हमने टॉपिक जो है लैंड फॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स के जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां बनती हैं निक्षेपणात्मक स्थिति में मानचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जरूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।